यूनिवर्सिटी का जरा एक्ट बनिया होया देखा जाए तो यूनिवर्सिटी कभी अपनी हुई ही नहीं। जिन्हिया इतों दॉडीज आ सारिया सेंटर के अंडर आ, फिर यूनिवर्सिटी अपनी कितने हुई? आ लड़ाई यूनिवर्सिटी की कोई सियासी मुद्दा ना बनाओ, एवं बिना किसी गलों आप ना बनाइए। यूनिवर्सिटी अपने हथों जारी आ, यूनिवर्सिटी अपने हथों निकल रही आ, यूनिवर्सिटी साड़ी आ, साड़ी होनी चाहिए आ। लेकिन ये लड़ाई आप बहुत पहलों हारे से। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ा कि अजकल एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा, लेकिन ये असी सियासत नाल नहीं जुड़े हुए। यूनिवर्सिटी के नाल इतों ही एक तरह तो कह सकते हैं अपना सारा कुछ सीखिया, सारा कुछ समझिया, सारा कुछ जिंदगी दे जिन्ने फलसफे सी इतों ही शुरुआत की थी। इस करके दिलों भी जुड़े हैं यूनिवर्सिटी के नाल और राजनीति तो बिल्कुल परा हट के भी इस यूनिवर्सिटी वास्ते सब कुछ करने तैयार। रोज़ मैं जो मुद्दे देखना तो मैनू सब तो वध हैरानगी होंदी आ जदों सारे कहिंदे आ भी यूनिवर्सिटी असी पंजाब चो जान नहीं देनी। मैं पूछना चाहना वो सारिआं तों भी यूनिवर्सिटी अपनी सीगी कदों? यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी खास तौर पर कदों सी पंजाब दी? 1966 के रीओरगनाइजेशन एक्ट तहत ही अगर यूनिवर्सिटी का जरा एक्ट बनिया होया देखा जाए तो यूनिवर्सिटी कभी अपनी हुई ही नहीं। वाइस चांसलर जरा सामने जिन्हें इतने अपॉइंटमेंट होंगी आ सीधी सेंटर करता वा, टीचर की जी अपॉइंटमेंट्स आंजाब सरकार का पंजाब के लोगों का कोई रोल नहीं आ। जिन्या इतों दॉडीज आ वह सारिया सेंटर के अंडर आ, फिर यूनिवर्सिटी अपनी कितने हुई? आ लड़ाई यूनिवर्सिटी की कोई सियासी मुद्दा ना बनाओ, एवं बिना किसी गलों आप ना बनाइए। यूनिवर्सिटी अपने हथों जारी आ, यूनिवर्सिटी अपने हथों निकल रही आ, यूनिवर्सिटी साड़ी आ, साड़ी होनी चाहिए आ। लेकिन यह लड़ाई आप बहुत पहलों हारे से। यह लड़ाई आप बड़े लंबे समय तो जो असं पढ़ते असी उदों भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड उठती सी, लेकिन इस मुद्दे नूं समझण दी लोड़ आ, इस मुद्दे नूं डूंघाई विच समझण दी लोड़ आ। कुछ लोग उही इस गल नूं सियासी मुद्दा बना दिंदे आ, जबकि यूनिवर्सिटी बिना एनओसी दे पंजाब सरकार तों उस एक्ट दे विच लिखिया होया नहीं जा सकदी अपने हत्थों। लेकिन उस तों वड्डी गल आए इहनूं अज तुसीं मुद्दा जरूर बना दोगे बिना किसी गल तों, लेकिन यूनिवर्सिटी दे विच जो ढांचा वा, जो स्ट्रक्चर आ, उह सेंटर कंट्रोल्ड आ, अज दा नहीं पहलों दा। पंजाब सरकार की जिहड़ी जिम्मेवारी बनती आ वह पैसे देने की बनती सी, लेकिन की पंजाब सरकार ने अज तक अपनी जिम्मेवारी निभाई? कि आम आदमी पार्टी की सरकार होवे, कांग्रेस पार्टी की सरकार होवे, अकाली दल की सरकार होवे, यूनिवर्सिटी मेरी आ, यूनिवर्सिटी मेरी आ, यूनिवर्सिटी जान नहीं देनी? उहदे नाल इह इमोशनल गल्लां दे नालों असली यूनिवर्सिटी दे विच आके वेखो भी हालात की आ, मुद्दा की आ। पंजाब के किन्ने बच्चे पढ़ते यूनिवर्सिटी के, किन्ने बच्चे की एडमिशन होंगे सवाल है ना। यूनिवर्सिटी अपनी अपनी आप कहने, यूनिवर्सिटी अपनी उदो होगी जो वाइस चांसलर पंजाब के लोगों की मर्जी मतलब पंजाब की चुनी हुई सरकार लावे। यूनिवर्सिटी उदो होगी जो जो टीचर अपॉइंट हो गए वह पंजाब सरकार की दिती हुई बॉडी के तहत अपॉइंट हो। यूनिवर्सिटी उदो अपनी होगी जो पंजाब के इतने बच्चों का इत्थे तुहाडे कोल एडमिशन का हल होवे। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी नाल इमोशनल टच आ, यूनिवर्सिटी अपना हिस्सा वा, असीं यूनिवर्सिटी नूं बाहर नहीं जान देवांगे। लेकिन अज जो हालात बने पए आ देश दे विच, जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर नूं लैके तुसीं गल्लां करदे हो, मैं तां इह गल्लां करदा यूनिवर्सिटी की लड़ाई कल्ली है यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं आ। हर उस इंडिपेंडेंट अदायरे नूं, हर उस इंस्टीट्यूशन नूं काबज करन की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, जिथे किते इंडिपेंडेंस आ, जिथे किते अदारा सोच सकदा वा अपने तौर दे उत्ते। ये दो दो चीज़ां वा इहदे विच, एक पंजाब सरकार की जिम्मेवारी और एक बीजेपी सरकार का। अगर अज तक इस यूनिवर्सिटी नूं किसी ने पैसे दिते आ तां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिते 150 करोड़ की ग्रांट इस यूनिवर्सिटी नूं करजे चों कढ़न वास्ते कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिते। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे तौर दे उत्ते किन्ने पैसे आए, अगे आने वाले समय च किन्ने पैसे आएंगे? यूनिवर्सिटी कल्ले अपने इमोशन या अपने धरने तां चलनी नहीं, यूनिवर्सिटी पैसों ना चलनी है।
यूनिवर्सिटी दे विच की पंजाब सरकार कमिट करूगी हर साल 40 करोड़ रुपया दूगी। आपां वी सबसिडियां नूं पैसे मंगदे आं, आटा दाल नूं नौजवान कई लोग वह लेंदे आ, लेकिन यूनिवर्सिटियां नूं जदों पैसे देने की वारी आती आ सरकारां पिछे हट जांदियां। कल ही बिजली की सबसिडी दी आ 15,000 करोड़ के आसपास बिजली की सबसिडी आ, लेकिन 40 करोड़ रुपया सरकार को सालाना इस यूनिवर्सिटी नूं देण नूं नहीं है। 42 करोड़ रुपए के आसपास बनता मुश्किल नाल, और वधा के वह शायद पिछे जो 100 करोड़ की डिमांड सी, लेकिन वह नहीं आप यूनिवर्सिटी देवे। लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी आ, यूनिवर्सिटी साड़ी आ, यूनिवर्सिटी साढ़े तो खो रहे हैं, इतों कहीं जमीन खो के इतने कहीं बाहर तो नहीं ले जाने। अगर तुम डिमांड रखनी आ, मैं सारे कहते सी अभी इस चीज़ पर बोलते नहीं, बोलते इस करके नहीं आ भी असं बोलना नहीं चाहते, या अस एक फौज एक जरा एजेंडा वा उस एजेंडे के शिकार के मुढ़लिया चीज़ों तो पासे नहीं होना चाहते। अगर असी इस यूनिवर्सिटी बारे गल करते हैं तो सब तो पहले गल करांगे पंजाब सरकार के नाल कि पंजाब सरकार पैसे दे रही है, कि पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी नूं बकायदा पैसे देने तैयार आ। जब तक पैसों की कमिटमेंट सरकार दे ना, और कही जाए यूनिवर्सिटी मेरी इहो जी यूनिवर्सिटी तो तुसीं असी बच्चों कितों हालात बनावांगे उन्होंने। मैं क्यों गल कर रहा है, इंपोर्टेंट गल आ, यूनिवर्सिटी वास्ते धरना भी करांगे, यूनिवर्सिटी वास्ते लड़ांगे भी, यूनिवर्सिटी नूं कितें जान भी नहीं देवांगे, हर चीज़ कोशिश करांगे, लेकिन उहदे नाल बाकी मुद्दों को नहीं नैगलैक्ट किया जा सकता। जिहड़ी बीजेपी की सोच आ, आर एस एस का वीसी आ नागपुर तो ऑर्डर लैंदा सीधे, तुसीं कित्थों आपां मान लीए यूनिवर्सिटी अपनी हो जूगी, अपॉइंटमेंट उहदी आ सैनेट नूं खत्म करन दे चक्करां च। सैनेट भी एक दायरा जिहड़ा वा उहदे विच भी जिन्ने इलैक्टेड बंदे आ उह वाइस प्रेजिडेंट तो अप्रूवड होकर आंदे आ, मुद्दों की पता नहीं होंदा, उही रौला पाई जाणा यूनिवर्सिटी दे दो यूनिवर्सिटी खोलो। पहलो मुद्दों के उत्ते खड़ी है घट्टो घट यूनिवर्सिटी को अगर अपना बनाना वा, पंजाब सरकार सब तो पहले पैसे देने शुरू करे, अपना क्लेम ना छड़े। जो तो पैसे नहीं दोगे तो यूनिवर्सिटी अपने आप कहूगी भी असं सेंटर को चले हाँ, सब तो पहले पंजाब सरकार पैसे दे। उस तो बाद जिहड़े सैनेट दे विच सिंडीकेट दे विच जिहड़े मैंबर आ वो पंजाब दे चुने हुए नुमाइंदियां दे विचों होने चाहिए, उहदे विच भी इह सेंटर तो बंदे पाते आ, होर बंदे पाते आ, जिहड़े मुद्दों के उत्ते लड़ांगे तां यूनिवर्सिटी अपनी होगी। यूनिवर्सिटी जब तक पंजाब सरकार एनओसी नहीं दूगी, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल आया वा, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ सेंटर नूं कहा भी तुसीं दसो, पता नहीं वो लेना चाहते नहीं लेना चाहते वो बाद की गल, लेकिन एनओसी उस एक्ट के तहत पंजाब सरकार जब तक नहीं दूगी ये यूनिवर्सिटी कोई अपने तो खो नहीं सकू। खोन दियां कोशिशां बिल्कुल जायजा, और खोन दियां कोशिशां इस करके मैं गल करा यूनिवर्सिटी करके ना लड़ो कल्ले, हर अदायरे नूं खोया जा रहा। कौन खो रहा? बीजेपी सरकार खो रही है, मोदी खो रहा, और कौन इस खिलाफ ये खिलाफ लड़ रहा? कांग्रेस पार्टी लड़ रही, हर उस इंस्टीट्यूशन वास्ते लड़ रही है जिहदी इंडिपेंडेंस नूं खतरा वा, जिहदी आजादी नूं खतरा वा। ये लड़ाई कली एक इस मुद्दे नूं कल्ला एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रखना, यह लड़ाई इस तो वड्डी आ, अदायरा वड्डा वा। आओ सारे रल मिल के यूनिवर्सिटी की जिहड़ी लड़ाई आ इस लड़ाई नूं समझिए, इस मुद्दे नूं समझिए, और जिहड़ा अपने इंडिपेंडेंट अदायरियां दे उत्ते जिहड़ी अपनी आजादी दे उत्ते सोचण दी आजादी होवे, भावें जुबेर की गल कर लो, भावें सिद्धू मूसेवाले दे गाने की गल कर लो, किस तरीके नाल हर उस चीज़ नूं जिहड़ी लोकां नूं कितें सोचण ते मजबूर करदी आ जां सोचण दी शक्ति दिंदी आ उह सारियां चीज़ां नूं बंद कीता जा रिहा। मेरी इस करके अपील आ सारियां नूं भी इह लड़ाई असीं ऑर्गनाइजेशन कांग्रेस वालों भी लड़ांगे, असी अपनी जथेबंदी जिथे कितें लोड़ पेगी उत्थे भी आऊगी, लेकिन सब तो पहले पंजाब सरकार नूं अपना क्लेम अगर रखना वा तो पैसे देने पैणगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी नाल दिलों जुड़े हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी आके हर चीज़ नाल भावें पुराने लीडर होण हर कोई इस यूनिवर्सिटी नूं अपनी कर्म भूमि मानता वा, और इत्थे आके इस यूनिवर्सिटी नूं बर्बाद हुंदा नहीं वेख सकते कभी, भावें वह फाइनैंशियली होवे, भावें वह इमोशनली होवे, भावें वह अज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात होण। तुसीं इत्थे जवाक वेखियो सारे, आह वेखो नॉर्थ ईस्ट तो बच्चे पढ़ते हैं, तुसीं वेखोगे हरियाणा तो बच्चे पढ़ते हैं, तुसीं वेखोगे बहुत ज़्यादा बिहार तो बच्चे पढ़ते हैं, हर सूबे तो इत्थे बच्चे पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है इस यूनिवर्सिटी के नाम के उत्ते जो राजनीति भी करते हैं उन्होंने भी तकलीफ होंगी है सानू। मुद्दा पंजाब यूनिवर्सिटी को बचा दा वा, पंजाब यूनिवर्सिटी बचावांगे, कितें पंजाब तो बाहर नहीं जानी चाहिए, इमोशनली लोग ये जुड़े हुए आ, लेकिन यूनिवर्सिटी बर्बाद भी नहीं होंगे, ये यूनिवर्सिटी अपनी नहीं सी, यूनिवर्सिटी अगर पंजाब वाले कहना भी ये साड़ी सी सिर्फ
एक कागजी पत्री च जरूर आप कह सकते भी ये अपनी हैगी है। लेकिन जब तक वाइस चांसलर उतों अपॉइंट होंगे रहने जब तक तुम अपने फाइनैशियल स्ट्रक्चर को तगड़ा नहीं करोगे सेंटर छड़ दूगी अच्छ किले मगर आप इतने पैसे देने शुरू कर दिए। यूनीवर्सिटी क्यों सेंटर वाल झुकती है क्योंकि 60% तो वह पैसा वह देंगे यूनीवर्सिटी के पैसा कितों आना वा यूनीवर्सिटी अदायरिया पैसे फाइनैशियल अपना इंडिपेंडेंस कितों करनी है। असं इतने बहुत धरने लाए फीसा पिछे जो इंडिपेंडेंट कोर्सिज शुरू होंगे असं उदो धरना लाने यूनीवर्सिटी के वास्ते सब तो पहले आपां एज अ पंजाबियों सोचना पैना अगर यूनीवर्सिटी से क्लेम करना वा सबसिडिया छड़निया पैणगियां आपां आ जिहड़ी फ्री की सबसिडिया वा जिहड़ियां अपना भावें बिजली की होवे भावें पानी की होवे भावें राशन की होवे और ये हायर एजुकेशन दे विच सरकारां नूं पैसे लाने पैणगे। जब तक हायर एजुकेशन दे उत्ते सरकार नहीं तत्पर होगी पैसे लाने तों पटियाले यूनीवर्सिटी का की हाल गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का की हाल पंजाबी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी का की हाल यूनीवर्सिटियां जिन्हां दी आपां गल करदे आं वह दायरे अज कित्थे खड़े आ क्यों क्योंकि सबसिडी क्योंकि फ्री की राजनीति और आ जिहड़े अदायरिया दे उत्ते पैसा इनवैसट करना आपां छड्डिया होया। सो इस सोच में बदलना पेगा यूनीवर्सिटी मेरी है यूनीवर्सिटी मेरी है यूनीवर्सिटी वास्ते धरना देवे ठीक है अभी भी मार्च तुहाडे नाल कर लाँगे डांगा भी खावे कितने पानी की बुछारा हो गया सड़क पर भी उतरेंगे लेकिन अगर वो यूनीवर्सिटी का भला होंगे और यूनीवर्सिटी का वेद फायदा होगा तो उस तो वह के करा क्योंकि ये साड़ी यूनीवर्सिटी इतों असं पढ़े हाँ असी इतों सीखिया वा साडा जो माँ प्यो का दर्जा वा उस यूनीवर्सिटी का दर्जा वा लेकिन यूनीवर्सिटी के नाँ के उत्ते आपां समझना पैना ये कहना भी यूनीवर्सिटी साढ़े तो खोली आ बड़े समय लंबे समय पहले खोली सी अपने तो यूनीवर्सिटी अज तो तू वापस क्लेम करना वा अज तो वो जिहड़ा 1966 एक्ट आ अज उस दे खिलाफ जिहड़ी तुहाडी डिमांड आपां चंडीगढ़ आ